राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना भोपाल में 8 जनवरी को 21 मांगों के साथ जन आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर वे हर जिले में संपर्क कर रैली में शामिल होने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह सिंगरौली पहुंचे, जहां उनका अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सिंगरौली पहुंचे। राजपूत कर्णी सेना की स्वाभिमान बचाओ यात्रा निगाही से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर का अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के ब्राह्मण नेताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के नेताओं ने कहा कि हम राजपूत समाज के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के हित में साथ खड़े हैं। सामान्य वर्ग के हित में जो भी कार्य राजपूत समाज करेगा, हम लोग उसका पूरा समर्थन करेंगे। कर्णी सेना के परम सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे सिंगरौली के धरापर का प्रथम बार आगमन हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों के रैली का कार्यक्रम था। हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले आज हम सभी के माल्यार्पण और स्वागत के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में परम आदरणीय रूपेश पांडे जी, देवेश पांडे जी, नगर निगम अध्यक्ष अश्वनी तिवारी जी, विनोद चौबे जी, हमारे बड़े भैया विश्वनाथ द्विवेदी जी, पंकज पांडे और हमारे एकता परिषद के सभी युवा टीम के साथियों ने उनका भव्य स्वागत किया। समाज के द्वारा राष्ट्रीय कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष का आज हमारे सिंगरौली में उनका आगमन हुआ और एक रैली के माध्यम से उनके द्वारा यह जो इनका भोपाल में महासम्मेलन है उसके संदेश के लिए अपने जिले सिंगरौली में मुख्यालय में आज उनकी रैली हुई। हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग पदाधिकारी आदरणीय हमारे बड़े भाई रूपेश पांडे जी हैं, हमारे आदरणीय प्रमोद भैया हैं, विनोद जी, आदरणीय द्विवेदी जी, सभी लोग हमारे जो ये ब्राह्मण समाज का बैनर आप देख रहे होंगे उसके बैनर तले हम सभी लोग उनका क्षत्रिय समाज के लोगों का स्वागत किया। यह एक संदेश है कि सब समाज हम सब लोग मिलकर के और एक दूसरे का सम्मान की सभी लोग सम्मान रखें, एक दूसरे जातियों का जैसा कि पहले से रहा कि भारतीय संस्कृति हमारी और सिंगरौली की संस्कृति रही कि सभी जाति हम सब लोग मिल करके एक साथ रहते हैं, एक सद्भाव का परिचय हम सभी ने यहाँ पर देने का काम किया। समाज ने हमेशा से स्वर कल्याण की बात किया है, सभी के कल्याण की। आज कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महोदय का हमारे चांचल की धरा पर आगमन हुआ, हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर के तले समस्त कर्णी सेना के पदाधिकारियों का, उनके सदस्यों का मुंह मीठा करा करके माल्यार्पण के साथ फूल वर्षा करके स्वागत किया गया। इस मौके पर हमारे नगर पालिक निगम सिंगरौली के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय देवेश पांडे जी और हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष पंडित प्रवीण शुक्ला जी, हमारे अश्विनी तिवारी जी से लेकर के हमारे विनोद चौबे जी, सभी प्रमुख पदाधिकारी और युवा परिषद के हमारे जिला अध्यक्ष राजेश दुबे जी, सभी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया। निश्चित रूप से हमारे समाज के द्वारा यह अनुकरणीय काम समय समय पर हमेशा किया जाता है और दो कदम बढ़ करके हम सब लोगों ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। और समय समय पर राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद और ब्राह्मण समाज सिंगरौली में समय समय पर काम करता आया है, आगे भी करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।